एक्स प्रेसिडेंट अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल। ओके सर, सबसे पहले तो जेल में आज प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए, जो है आज इंडिपेंडेंस डे भी है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और क्या एक चीज है जो हमारे देश में आज के दिन पे चेंज होनी चाहिए? आज के तारीख में जेल की जो आज प्रोग्राम हुआ जेल में, इस विषय में बहुत सारी बातें करने के लिए है। ऐसे राम भाई हमारे जो दोस्त थे, इन्होंने और हमने चार दिन पहले ऐसे विचार हमारे मन में आया कि भाई 5,000, 2,000, 10,000 के लिए सालों साल कोई आदमी जेल में रहता है, जबकि उसके किसी रिलेटिव को मालूम नहीं है या अनोन आदमी जेल में पड़ा रहता है और उसको जो पीड़ा सहनी पड़ती है। तो हमने ये 15 अगस्त का जो जैसा देश को आज़ादी मिली, तो ऐसे हमारे बंदियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जेल में हर आदमी अपराधी ही जाता है। कई टाइम ऐसा भी होता है कि जो किसी ने अपराध नहीं किया हुआ, गलती से फंसा हुआ भी आदमी जेल में रहता है। और इसके लिए हमने मिलके ऐसा एक संकल्प किया कि 15 अगस्त के दिन जितने भी आदरवाड़ी जेल में जिनका पैसे के वजह से अंदर है, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी फाइन हुआ है, वो फाइन भर के उनको आज़ाद करने का संकल्प गुलाबराव करंजले पाटिल प्रतिष्ठान के तरफ से ये संकल्प हमने किया है आज। तो मतलब ये इनिशिएटिव हर साल लिया जाएगा या फिर ये साल या फिर अगले साल कुछ अलग करने वाले हैं ऐसा कुछ? अगले साल उनके लिए फिर अगर करना है करेंगे हम। और ये तो गुलाबराव करंजले प्रतिष्ठान जो है, ये हमेशा दलित पीड़ित शोषित लोगों के लिए काम करती है। बच्चे लोगों को जहाँ पे ग्रामीण भाग में 25,000 काफ़िया बुक्स देते हैं, स्कूल के बैग्स और ये सब बांटते हैं। अगर समझो कुदरती ऐसा आप लोगों को अगर सहयोग है तो हम ये प्रोग्राम हर साल लेंगे, कोई बात नहीं। तो जिससे सर इंडिपेंडेंस डे है, लोग आज़ादी मनाते हैं, लेकिन जेल के अंदर देखा जाए तो वो कैद हैं आज भी, तो उनके अंदर किस तरह का उत्साह होता है इंडिपेंडेंस डे को लेकर? अभी आज तो हमने देखा, हमारे से भी अच्छा उत्साह उन्होंने था, क्योंकि रात दिन अपने बाल बच्चों के बारे में सोचने वाले, टेंशन में रहने वाले, जो भी अपने फैमिली के बारे में, मगर आज हमारे साथ जो दो कलाकार महान कलाकार है और तीसरे हमारे जो जेठालाल ये भी थे, इनके वजह से इतनी खुशी उनमें, या उसकी कोई मतलब शब्दों से गणना नहीं की जा सकती, इतनी खुशी ले रहे उन्होंने, इतने खुश हो गए, इतने तालियां, इतने शोर, इतना मतलब मेरे लाइफ में पहला प्रोग्राम रहेगा कि हर आदमी ताली बजा रहा था और हर आदमी इंजॉय कर रहा था। तो राम जी जिस तरह से इस तरह की कार्य करने का वो सोचते हैं, तो उनके साथ आप किस तरह से हर कदम पे उनके साथ किस तरह से आपका सहयोग? राम तो मेरा छोटा भाई है और आज से राम भाई की मेरी दोस्ती नहीं है, कई सालों से है, और हम दोनों के भी विचार एक दूसरे से मिलते हैं। और सामाजिक कार्य के लिए मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, राम भाई को अगर कभी बताया कि भाई ये सामाजिक कार्य करने का है, तो राम भाई अपना खुद का काम छोड़ के जेब का पैसा खर्चा करके गरीबों के लिए और कुछ भी सामाजिक कार्य करने में तत्पर रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वीआईपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे और जेल में से जो भी निकले उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी, अगर उस बारे में कुछ बताना चाहें? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जो लोग मुझे जानते थे, कहीं मैं उनसे मिला रहूँगा कोई शो में, ऐसे लोग भी मिले थे मुझे, बोलते थे अरे पहचाना मुझे, मैं आपको फलाने जगह मिला था। कुछ लोग मेरे कॉमेडी सर्कल के सेट पे भी आए थे, तो उनको देख कैसा लगा कि यार आज ये भले जो भी पीड़ा से गए अंदर, दो क्राइम होता है, गए भले गलती से गए या कुछ भी हो, लेकिन जो उनको हंसाने में जो आज मजा, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी को हम जेल में रखते हैं उनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है, लेकिन आज ऐसा लगता है वाकई में वो स्वतंत्र तो हुए, मतलब इतना हमने देखा कि उतना खुल के हंस रहे थे, इतना उनको लगा नहीं कि वो जेल में है। और जो राम भाई और गुलाब जी ने मतलब जो बीड़ा उठाया सर, अगर आप ये हर साल करें, हर साल के मैं तो चाहूँगा कि हर 2-3 महीने में अगर कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो डेफिनेटली मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। क्योंकि ये सब करके जो दिल को सुकून मिला आज मुझे, वाकई में मतलब आज प्यारी नींद आएगी मुझे। धन्यवाद।